यशवंत सिन्हा, याद है तुझे मैंने कहा था मुझे कैद रखने के लिए हिंदुस्तान में कोई जेल नहीं बना। तुमने मुझे और मेरी फैमिली को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है। अब सिर्फ तुम वही करोगे जो मैं चाहता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बॉलीवुड की एक फुल एक्शन मूवी AK-47 के बारे में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक। फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, एके 47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एके 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर एके 47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, एके 47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया।
तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एक 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए, बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एक 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है।
तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं
जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया।
तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है।
तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरीशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एक 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एक 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं
जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया।
तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है।
तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं,
जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया।
तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है
तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं
जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक, फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए, बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए, बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया।
तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है।
तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं,
जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है।
दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओम पुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओम पुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सती और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, एके 47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एके 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर एके 47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, एके 47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि
तीखी, सतही और चीखने वाली एके 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए, बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली एके 47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए, बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है।
रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है।
रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी सतही और चीखने वाली 1:47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर 1:47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूं। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, 1:47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी सातम और आशीष विद्यार्थी है।
मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम, ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, AK-47 राम शेट्टी द्वारा निर्देशित साल 2004 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। दोस्तों, इसी नाम की कन्नड़ तेलुगु फिल्म की रीमेक फिल्म में आदित्य सिंह, शीतल भाविशी, ओमपुरी, शिवाजी साटम और आशीष विद्यार्थी हैं। मूल फिल्म के विपरीत फिल्म को नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत साजिद वाजिद द्वारा रचित था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप शर्मा एक महत्वाकांक्षी हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिसमें उनके पिता दयाशंकर, जो पेशे से एक बैंक मैनेजर है, उनकी माँ शारदा और एक बहुत छोटी बहन गायत्री है। परिवार बनारस भारत में रहता है। रुद्र किसी भी रूप में अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता और कॉलेज के कुछ गुंडों को सार्वजनिक रूप से पीटकर विद्रोह कर देता है। यह उसे और उसके परिवार को बंबई शहर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जहां रुद्र गलत काम करने वालों को कानून के हवाले करके उनसे निपटना जारी रखता है। तो फिर एक दिन उसका जीवन बदल जाता है, जब पुलिस उसे न केवल हथियारों और गोला बारूद के सौदे के लिए बल्कि पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा की नरिशंस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लेती है। रुद्र को अब जेल से भागना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे किसने फंसाया है और क्या वो अपनी जिंदगी वापस सुधार सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के बारे में कुछ और भी बातों के बारे में बताता हूँ। तो निर्माता हसमुख शाह नहीं चाहते थे कि फिल्म किसी विवाद में फंसे, इसलिए दाऊद नाम के किरदार दाऊद इब्राहिम की ओर इशारा करते हुए का नाम बदलकर ददुआ रख दिया गया। तो INS के सुभाष के झा ने लिखा कि तीखी, सतही और चीखने वाली AK-47 फुटपाथ के अनुकूल एक्शन फिल्म है, जिसके बारे में आपने सोचा था कि बॉलीवुड की सपनों की फैक्ट्री में इसका निर्माण बंद हो गया है, लेकिन यह वापस आ गया है। और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? बॉलीवुड हंगामा के तरण आदर्श ने फिल्म को 5 में से 1.5 स्टार रेटिंग दी और लिखा कि कुल मिलाकर AK-47 एक साधारण किराया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो रुद्र प्रताप के रूप में आदित्य सिंह, श्वेता के रूप में शीतल भावी, ओमपुरी पुलिस आयुक्त यशवंत सिन्हा के रूप में, रुद्र प्रताप के पिता के रूप में शिवाजी सातम,
ददुआ के रूप में आशीष विद्यार्थी, सदाशिव अमरापुरकर, मोहन जोशी, किरण कुमार, दीप धिल्लन, रीमा लागू और मेघना नायडू एक आइटम नंबर के रूप में। तो दोस्तों, ये बहुत ही दमदार मूवी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस मूवी को जरूर देखें। धन्यवाद।